अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आज हमने टॉपिक स्टडी करना है पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अपने लास्ट लेक्चर में हम पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जो लिथियम है, जो टॉप ग्रुप 1A का टॉप एलिमेंट है, वो किस तरह से अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट से कुछ करेक्टरिस्टिक्स में डेविएट करता है। ये चीज़ें आज हम बेरिलियम के केस में देखेंगे। बेरिलियम जो कि हमारे पास ग्रुप 2A में टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है, ये किस तरह से अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज़ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम या रेडियम से डेविएट कर रहा है अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स में। जो टॉप एलिमेंट है, एवरी मेन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल शो मार्क डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड ऑफ द ग्रुप एज अ होल। जो टॉप एलिमेंट है हर ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल में कुछ डेविएशन शो करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जो डेविएशन है बेरिलियम के केस में, वो किस चीज़ पे बेस कर रही है? इसके स्मॉल रेडियस के बेस पे, इसके स्मॉल साइज के बेस पे, क्योंकि टॉप एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ शेल कम प्रेजेंट एंड हाई चेस्ट डेंसिटी के बेस पे। अगर हम ये देखें कि जो डेविएशन है बेरिलियम के केस में, उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो सिंपल वर्ड्स में हम उसे बोल सकते हैं, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे चार्ज टू साइज रेशो पे। एंड बेरिलियम मेटल इज़ अ लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज का। अगर हम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस देखें बेरिलियम के फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो बेरिलियम मेटल है वो इतना हार्ड होता है कि वो किसी ग्लास को भी स्क्रैच कर सकता है। क्योंकि हम इसके बाकी ग्रुप एलिमेंट्स को देखें तो इतने हार्ड नहीं होते। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम इज हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है बेरिलियम के, वो ज़्यादा हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ज़्यादा क्यों है, स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड तक अगर हम पॉइंट देखें, एज रिड्यूसिंग एजेंट द ग्रुप 2A मेटल्स आर पावरफुल इनफ टू रिड्यूस वाटर। ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने भी मेटल्स हैं, उनमें एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो वाटर को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है पूरे ग्रुप में प्रेजेंट है और वो कम्प्लीटली रिड्यूस कर देते हैं वाटर को। लेकिन अगर हम बेरिलियम के केस में देखें, तो जब जो बेरिलियम है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो ऑक्साइड है, ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड होता है, जो कि इसे फर्दर अटैक से रोकता है। तो अगर हम बेरिलियम को देखें, तो वो बाकी ग्रुप एलिमेंट से किस तरह से डेविएट कर रहा है, तो वो इस तरह से डेविएट कर रहा है कि ये वाटर को ज़्यादा रिड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास जो ऑक्साइड प्रेजेंट है, वो इसे इस रिडक्शन से, ये इसे वाटर को रिड्यूस करना चाहिए, वो वाटर को रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखें, तो बेरिलियम इस इन पर्टिकुलर इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट टूवर्ड्स कम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर ये वाटर को कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं कर रहा, तो खुद भी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर जो ऑक्साइड की कोटिंग प्रेजेंट है, वो एक इनसॉल्युबल ऑक्साइड है। इस वजह से जो है इसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती। अगर हम नंबर 5 पे देखें, बेरिलियम इज द ओनली मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप विच रिएक्ट विद अल्कलीज। बेरिलियम ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स, बाकी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से कोई भी अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। हमारे पास सिर्फ एक बेरिलियम ही ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, तो सोडियम जो हमारे पास है अल्कली मेटल है एक। बेरिलियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम बेरिलेट बना रहा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।